बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 4 की है। चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर करें कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं कि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। सही है, तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। न्यू नोट्स वगैरह के लिए सारी चीज़ें अपडेट वहाँ पर मिल जाती है। सही है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है ये वाला। सही है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ के, एंगुलर क्वांटिटीज़ और लीनियर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या इनका रिलेशन है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल, के एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, विच इन्वॉल्व एंगुलर एज वेल एज लीनियर मोशन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कल में मूव करता है तो उसमें अगर मूव करे तो उसमें एंगुलर भी वेलोसिटी होती है, एंगुलर क्वांटिटीज़ भी होती है, एंगुलर के साथ साथ लीनियर मोशन भी होती है। दोनों मोशन होना उसमें लाजमी है। आई.ई. स्टेडियम रेस ग्राउंड इन्वॉल्व मूवमेंट इन सर्कुलर लैप बट कंटिन्यू इन लीनियर टर्म, द इक्वेशंस ऑफ बोथ मोशन एज अंडर। सही है, तो इसके सारी चीज़ें एग्जांपल होती हैं यहाँ से किस तरह करेंगे। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले जो हमने पीछे किए, थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू वी एस अपॉन आर, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी और डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, या डेल्टा थीटा से लिखा था, यहाँ थीटा से मिले। ये तीन फॉर्मूले जिसको हमने यूज़ करना है। अब अगर देखते हैं तो अब हम यहाँ पर करते हैं एक इस फॉर्मूले को लेते हैं। पहले तो हमने क्या किया, W मैं साइड में सॉल्व भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह। पहला फॉर्मूला हमने लिया ये वाला इक्वेशन नंबर 3 का। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है थीटा और मुझे ऊपर थीटा की वैल्यू दी हुई है। मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू को पुट करूँगा, तो पुट थीटा, यहाँ पर थीटा को जब पुट करूँगा तो W इज इक्वल टू थीटा की जगह S अपॉन R, नीचे T है। जब ये T को ऊपर लेके आएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, S अपॉन R मल्टीप्लाई बाय टी, के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है, रेसिप्रोकल आएगा तो वन अपॉन टी हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, एस अपॉन टी आर। सही है, यहाँ तक करने के बाद हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ की है। यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ करनी है मल्टीप्लाई बाय आर, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय आर। सही है, आर से मल्टीप्लाई करने की वजह क्या है वो देख लो, कि हमने आर से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया W, इसके साथ R आ गया। आगे जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, S T अपॉन R। यहाँ पर भी हमने क्या किया, या तो सिंपल कर लेते हैं मल्टीप्लाई R से, ज़्यादा आसान स्टेप करते हैं जो बुक में किया। ये हमारा स्टेप था पीछे वाला, वापस लिखते हैं W इज इक्वल टू S अपॉन T R है। ये R डिवाइड में मान ले जाओ तो W R इज इक्वल टू S अपॉन T हो गया। सही है, अब फॉर्मूला देखो, आपके पास पीछे लिखा हुआ है S अपॉन T बराबर है V के, तो यहाँ पर S अपॉन T की जगह अगले स्टेप में लिख देंगे V और पीछे का W अपॉन R एज इट इज आपका आ गया। सही है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे देखो इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट कर लिया, तो ये आया V इज इक्वल टू R अपॉन R ओमेगा से, ऐसे डिस्क्रिप्शन कर दी, V हमारी लीनियर वेलोसिटी, R रेडियस है और ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो रिलेशन बना स्पीड और एंगुलर स्पीड का, सिंपल लीनियर स्पीड के साथ ये। आगे एक और देखते हैं, एक और रिलेशन लिया एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूँ, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों को T से डिवाइड करना है। आपने इसको भी T से डिवाइड कर दिया और इसको भी T से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया V अपॉन T। यहाँ पर अगर आप इसको अलग करके लिखो तो R छोड़ दो, W अपॉन T कर दो। हुआ ये कि ये वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारी सिंपल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, और ये ओमेगा अपॉन टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आया वो A इज इक्वल टू आर एल्फा, या R इस सिंबल को हम पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो यहाँ सिंबल के रिप्रेजेंटेशन दे दिए। सही, A लीनियर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और R रेडियस है। क्लियर, ज़्यादा टॉपिक नहीं है आज की वीडियो में, ये दो ही टॉपिक थे जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है
लीनियर और रोटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, देखो ये फार्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा है, एस इज इक्वल टू वी टी, और इस चैप्टर में हमने यू करके लिखा था एस इज इक्वल टू वी अपॉन टी, तो दोनों का मतलब एक ही है, टी को बस एस के नीचे ला के लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एवरेज वेलोसिटी, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन, ये तो हमने किया। इन्हीं को किस में ले गया, रोटेशनल मोशन में अगर बात करें तो पहले तो हमारा होता है एस इज इक्वल टू डब्ल्यू टी या एस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अगर मैं इसी को चेंज करूं तो हमारे पास चेंजिंग इस तरह हो रही है कि एस हमारा थीटा के बराबर है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो डब्ल्यू टी के बराबर हो जाएगी, सिंपल एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला था सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ पर चेंजिंग की एस की जगह आपने रखना है थीटा, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा आई पे टी की जगह टी, वन अपॉन टू, एक्सेलरेशन हमारे पास अल्फा के बराबर है और टी स्क्वायर। तो देखो ये ऐसे फॉर्मूला आया, सही। नीचे आते हैं, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी में डब्ल्यू एवरेज आएगा, फाइनल में डब्ल्यू एफ, इनिशियल में डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाई टू, इस फॉर्मूले में चेंज किया है तो फाइनल वेलोसिटी डब्ल्यू एफ ओमेगा एफ, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा आई, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा और फिर टी। थर्ड इक्वेशन में ए की जगह अल्फा आ जाएगा और एस की जगह थीटा आ जाएगा, तो अल्फा थीटा और डब्ल्यू एफ स्क्वायर माइनस डब्ल्यू आई स्क्वायर। तो ये हमने चेंजिंग की है फॉर्मूले की, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में हमने यूज़ करने। तो आज की वीडियो में ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, यहीं तक का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लेक्चर को कवर करेंगे।